सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर से जो अनुज चौहान को मारने का वीडियो वायरल हुआ था, ये मामला बीते कई वक्त से विवादों में था। पुलिस की ओर से इस मामले की तहकीकात जारी थी। ऐसे में कल अनुज चौहान ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसके बाद मंदिर के 5 संतों समेत 7 लोगों के सामने शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के चलते आज सभी 7 लोग तालुका पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मंदिर के इन 7 लोगों को पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया है। तारीख 6/1/2022 ना रोज सोखड़ा हरिधाम मंदिर खाते जे बनाव बन्यो तो एमा अनुज चौहान नाव ए बनाव अनुसंधाने गई काल रोज फरियाद आपी थी। ए फरियाद में एमने 5 संतो अने 2 सेवकों नाम आप्या हता। फरियाद नोध्या बाद अमे तपासनी कामगिरी आरंभी अने तपासनी प्रक्रिया पूर्ण करी पुरावा मळता अमे जे 5 संतो छे अने 2 सेवक छे एमनी आज रोज धरपकड़ करी हती अने धरपकड़ कर्या बाद आ गुनो जामीन लायक होय संतोए अने सेवकोए सामेथी जामीन आपता तेमने जामीन पर मुक्त करवामां आवेल छे। ए एमना संतोए एवुं ज कीधुं छे के आकस्मिक बनाव बनेलो छे, अमारे अमारो कोई इंटरफेर आ रीतना अमारो कोई बद इरादो हतो नहीं। આગળની કાનૂની કાર્યવાહી આવે જે પુરાવા મળેલ છે, સંતોની ધરપકડ કરેલ છે, હવે એના આધારે ચાર્જશીટ કરવામાં આવશે અને નામદાર કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવશે અને એના આધારે નામદાર કોર્ટમાં આ કેસની ટ્રાયલ ચાલશે। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। આજ હી બીઆરજી ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહે।